इंडिया डिफेंस सेक्टर को एक बहुत बड़ी जीत मिली है। इंडिया ने रशिया और पोलैंड को हराकर आर्मेनिया से एक 40 मिलियन डॉलर्स की डिफेंस डील जीती है। इंडिया इस डील के मुताबिक आर्मेनिया को 4 लोकली बिल्ट वेपन लोकेटिंग रडार सप्लाई करेगा। ये रडार सिस्टम देश की एक बेहतरीन कंपनी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट LRDE द्वारा बनाया गया है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है। इस डील के मुताबिक इंडिया आर्मेनिया को स्वाथी वेपन लोकेटिंग रडार सप्लाई करेगा, जिसे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने बनाया है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है। एक गवर्नमेंट सोर्सेस ने ANI को बताया है कि इंडिया ने इन रडार सिस्टम्स को आर्मेनिया को सप्लाई करना शुरू भी कर दिया है। ये डील इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। आर्मेनिया द्वारा जो वेपन सिस्टम खरीदा जा रहा है वो एक ट्राइड और टेस्टेड वेपन सिस्टम है, यानी कि इसे रियल वॉर कंडीशंस में टेस्ट किया जा चुका है। आर्मेनिया को रशिया और पोलैंड ने अपने सिस्टम्स ऑफर किए थे। आर्मेनिया ने इन सभी सिस्टम्स को बारीकी से टेस्ट किया है और इसके बाद अब इंडियन सिस्टम को चूज़ किया है। इस डील के मुताबिक इंडिया को आर्मेनिया को 4 ऐसे सिस्टम्स सप्लाई करने हैं। ये रडार सिस्टम इंडियन आर्मी अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस्तेमाल करती है, जहां पर वो इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल पाकिस्तान से आने वाले आर्टिलरी फायर को डिटेक्ट करने के लिए करती है। स्वाथी वेपन लोकेटिंग रडार एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग फेज्ड एरे रडार है, जिसे कि आर्टिलरी फायर को और रॉकेट फायर को स्पॉट और ट्रैक करने के लिए बनाया गया है, ताकि आर्टिलरी यूनिट्स को ये पता चल सके कि फायर कहां से आ रहा है और तब आर्टिलरी यूनिट्स उसी लोकेशन के ऊपर अपना फायर टारगेट करेंगी। ये रडार सिस्टम एक ही टाइम पर बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है, जैसे कि शेल्स, मोर्टार्स, जो कि अलग अलग लोकेशन से फायर की जा रही होंगी। इस रडार की रेंज 50 किलोमीटर है। इस रडार को अभी जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी LOC के ऊपर इस्तेमाल करती है। इस रडार सिस्टम को इंडियन आर्मी को 2018 में ट्रायल्स के लिए दिया गया था। इंडियन आर्मी को एक ऐसे रडार सिस्टम की जरूरत तब महसूस हुई थी जब 1999 में कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान इंडिया के ऊपर पहाड़ियों से फायर कर रहा था, लेकिन इंडिया के पास कोई भी ऐसा रडार सिस्टम नहीं था जिससे उसको ये पता चले कि फायर कहां से आ रहा है। तब इंडिया के पास एक ब्रिटिश रडार सिस्टम था जो कि सिर्फ मोर्टार फायर को ही लोकेट कर सकता था। इस रडार की कमी के कारण उस समय इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई थी और इसी कमी को पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी अब ये रडार इस्तेमाल करती है। दोस्तों, इस डील से पता चलता है कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर अब आगे बढ़ रहा है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के साथ अब इंडियन कंपनीज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इंडियन कंपनीज और ज़्यादा अच्छे वेपन सिस्टम लेकर आगे आएंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे।